हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेल लॉ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 6 क्रिमिनल लॉ 500 प्लस एमसीक्यू। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 151। विच काइंड ऑफ हर्ट इज नॉट ग्रीवियस? ओके, एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ, एनी हर्ट विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 15 डेज इन सिवियर बॉडली पेन, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ इधर आई, परमानेंट लाइक प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट। तो यहाँ पे क्या होगा इनमें से? बीच काइंड ऑफ हर्ट इज नॉट ग्रीवियस, यहाँ पे कौन सा ग्रीवियस नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है, ये जो बी दिख रहा है, एनी हर्ट विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 15 डेज इन सीवियर बॉडली पेन। क्योंकि अगर आप सेक्शन 320 आईपीसी का पढ़ोगे तो वहाँ पे आप देखिएगा, ये सेक्शन अगर आप पढ़िएगा तो वहाँ पे आप देखिएगा कि ड्यूरिंग ऑफ स्पेस ऑफ 20 डेज वो टाइम पीरियड है, ये नॉट 15 डेज। ओके, सो ये देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 151 में। क्वेश्चन नंबर 152 की अगर बात करें तो यहाँ पे बात करता है, ए थ्रेटेंस टू पब्लिश अ डिफेमेटरी लेवल कंसर्निंग बी अनलेस बी गिव्स हिम मनी, ही दस इंड्यूसेस बी टू गिव हिम मनी ए हैज कमिटेड। अब जाहिर सी बात है, ए उसको डरा रहा है, धमका रहा, थ्रेटन कर रहा डिफेमेटरी लेवल के लिए कि वो बी का, मतलब बी को डिफेम करेगा अगर वो पैसे उसको नहीं दिया तो। ओके, तो यहाँ पे एक्सटॉर्शन हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 383 आईपीसी में आपने पढ़ा होगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 153। अगर 153 की बात करें, इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली, द इंप्रिजमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन सेल बी ओनली सिंपल होता है। अगर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन सेक्शन 64, 65, 66, ये 67 ये सारे पढ़ोगे तो वहाँ पर डिफॉल्ट ऑफ फाइन की बात की गई है, एक बार देख लीजिएगा आप। वहाँ पर बस ये कहा गया सिंपल इंप्रिजमेंट, अगर रुपीज 50 के आसपास का डिफॉल्ट है तो 2 months, 1 month, 3 months ऐसे कर करके पनिशमेंट वहाँ पर दिया गया है। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 154 की अगर बात करें, वॉट मस्ट बी द एज ऑफ द माइनर विथ रिगार्ड टू द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, वॉट मस्ट बी द एज ऑफ माइनर। तो जाहिर सी बात है, इन अ केस ऑफ मेल एज इज 16 एंड इन अ केस ऑफ फीमेल एज इज 18। ओके, सो अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज इफ मेल एंड अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज इफ द फीमेल। तो 154 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 155। अ पुलिस ऑफिसर अरेस्टेड एंड डिटेन्ड अ पर्सन इन द लॉकअप डिस्पाइट प्रोडक्शन ऑफ बेल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट। जाहिर सी बात है, ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा, क्योंकि बेल ऑर्डर आ चुका है, कोई एक्स वाई जेड कोई व्यक्ति है। ओके, कोई ए व्यक्ति है मान लो, तो इसके अगेंस्ट अब बेल ऑर्डर आ चुका है, उसको फिर भी पुलिस उसको बंद करके रखे हुए, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा। सो 155 का रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा। आईपीसी कौन से सेक्शन में है कमेंट जरूर कीजिएगा, सेक्शन 340 शायद, तो 340 में है ये बताया गया रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। क्वेश्चन 156 की अगर बात करें, विच इज नॉट द स्टोलन प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं है? पोजेशन वेयर ऑफ वॉज ऑब्टेन बाय चीटिंग, पोजेशन वेयर ऑफ वॉज ऑब्टेन बाय फॉर्जरी, पोजेशन वेयर ऑफ वॉज ऑब्टेन बाय डैकेटी, पोजेशन वेयर ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो 156 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। बाकी स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाएगा, लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो नहीं कहलाएगा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आईपीसी सेक्शन 405, पनिशमेंट 406 में है, मैं फिर से बता रहा हूँ, और अप टू 3 years इसमें पनिशमेंट है। ओके, सो कम टू क्वेश्चन नंबर 157। अकॉर्डिंग टू एमसी नॉगेंटेन्स रूल, लीगल इंसैनिटी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मेडिकल इंसैनिटी। ओके, लीगल इंसैनिटी जो है वो कहीं ना कहीं अलग है मेडिकल इंसैनिटी से, तो ये कौन सा मतलब ये रिलेट करता है? टोटल लॉस ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज। ओके, अब ये ए बी में सी में दोनों एक ही दे दिया है, तो टोटल लॉस ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज इसका आंसर होगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 158। ए हैज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एन एडल्ट मैरिड वुमैन। ओके, ये क्या करता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विथ एन एडल्ट मैरिड वुमैन हुम ही नोज टू बी द वाइफ ऑफ एनदर मैन। वो जानता है कि किसी दूसरे की वाइफ है, विदाउट द कंसेंट और कनाइवेंस ऑफ दैट मैन। अब इसका कंसेंट नहीं है उसका जो
वो बंदा है उससे कनाइवेंस मीन्स कंसेंट है नहीं, बट द कंसेंट ऑफ दैट वुमेन इज गिल्टी ऑफ. अब जाहिर सी बात है ये एडल्ट्री के लिए हो जाएगा, पर एडल्ट्री इज नो मोर रेप और वो केस में नहीं जाएगा. बिकॉज आप जब सेक्शन पढ़िएगा एडल्ट्री का तो उसमें बताया गया एनी वन हु विदाउट द परमिशन और कनाइवेंस, आई एम रीडिंग द बेयर एक्ट लैंग्वेज, एनी वन हु विदाउट द परमिशन और कनाइवेंस ऑफ दैट मैन हैज अ सेक्शुअल इंटरकोर्स विथ अ पर्सन हु इज एंड हुम ही नोज और हु हैज कॉज टू अज्यूम टू बी द वाइफ ऑफ अनदर मैन सच सेक्शुअल इंटरकोर्स, उस तरह का सेक्शुअल इंटरकोर्स को ये कंट्रीब्यूट नहीं करता एज अ क्राइम ऑफ रेप और इज अ गिल्टी ऑफ offense of adultery, okay, and shall be punishable with imprisonment or description for a term up to 5 years or with a fine or witness, okay. जैसे ये Wear Act language में लिखा हुआ है. आते question 159. What is minimum number of persons required to commit dacoity? बताइए dacoity करने के लिए minimum क्या है? तो यहाँ पे 5 लगेगा क्योंकि बाकी तो options है. Okay, तो 159 का हो जाएगा A. Dacoity IPC section 391 में बताया गया है. Okay. सो क्वेश्चन 160 की अगर बात करें तो यहाँ पे बात किया गया हुएवर किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी चाइल्ड विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड शैल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 369 ऑफ आईपीसी इफ द एज ऑफ सच चाइल्ड इज अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज. क्योंकि 369 की अगर बात करें सेक्शन तो वहाँ पे बात करता है कि किडनैपिंग या फिर अबडक्शन जो होता है चाइल्ड का जो कि 10 साल से कम का होता है, जिसका इंटेंशन है उस चीज़ का करने का कि उसको चुरा लेना उस व्यक्ति से. ओके, मींस किडनैपिंग और अबडक्टिंग चाइल्ड अंडर 10 ईयर्स विद द इंटेंट टू स्टील फ्रॉम इट्स पर्सन. ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 161 टॉक्स अबाउट हाउ मेनी काइंड ऑफ किडनैपिंग आर देयर इन इंडिया, सॉरी इंडियन पिनल कोड, इंडिया में जो बात की गई है इंडियन पिनल कोड में. सो इसमें दो तरह का किडनैपिंग है. फर्स्ट वन इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. याद रखिएगा किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप. ओके, तो ये तो हो गया क्लियर. अब आते 162 पे. एनी हर्ट इज ग्रीवियस इफ इट इज कॉज द सफरर टू बी इन द सीवियर बॉडली पेन और अनवेल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरली परस्यूट्स ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 15 days, 20 days, 25 days, 30 days. तो 162 का आंसर हो जाएगा बी 20 days, जैसे कि बताया था सेक्शन जो कि बात करता है सेक्शन 320 आईपीसी का इसके बारे में. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, आइए आप 163 पे. 163 की अगर बात करें, वाई गिव्स ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन टू ए, ए ऑन दिस प्रोवोकेशन फायर्स अ पिस्टल एट वाई नीदर इंटेंडिंग और नॉट नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू किल जेड. ओके, हु इज नियर हिम बट आउट ऑफ साइट ए किल्स जेड. ओके, ए जेड को मार देता है. इज गिल्टी ऑफ, जाहिर सी बात है नो ऑफेंस है एज एक्ट फॉल्स अंडर जनरल एक्सेप्शन. ओके, जनरल एक्सेप्शन 76 से 106 के बीच में आप इसको देख लीजिएगा. ओके, 164 की अगर बात करें तो गैंग रेप की बात करता है. फॉर गैंग रेप इट इज नेसेसरी दैट द रेप शुड बी कमिटेड बाई मोर देन वन पर्सन, इट इज नेसेसरी दैट रेप शुड बी कमिटेड बाई मोर देन टू पर्सन, इट इज नेसेसरी दैट रेप शुड बी कमिटेड बाई एटलीस्ट 5 पर्सन. सो 164 की अगर बात करिए क्वेश्चन नंबर, तो इसमें हो जाएगा आंसर डी नन ऑफ देव, क्योंकि जो बेयर एक्ट लैंग्वेज है वो ये से कहीं से भी मेल नहीं खा रहा. ओके, सो गैंग रेप 376 डी है शायद, आप देख लीजिएगा आईपीसी सेक्शन. 165 की अगर बात करें, वेयर नो सम इज एक्सप्रेस्ड विच अ फाइन may extend there the amount of fine to which the offender may be liable will be, where no sum is expressed. मान लीजिए कि वहाँ पर कोई amount expressed नहीं है, कोई crime करता है ऐसा offense करता है तो कोई यहाँ पर कोई fine mention नहीं किया गया है, तो उस case में किस fine कितना होगा. देखिए fine unlimited होगा पर not excessive होगा. ठीक है, तो D इसका आंसर हो जाएगा. 166 A who is a citizen of India commits murder in Uganda. He is arrested in Delhi. He can tried and convicted to murder in Delhi only. Okay. 167 A finds a purse with money, not knowing to whom it belongs. अब उसको पता नहीं किसका है ये पर्स. ओके, ही afterwards discovers that it belongs to B. उसके बाद इसको लगता है कि ये जो पर्स है वो B का है and appropriates to his own use. A is guilty of criminal misappropriation or criminal breach of trust. थेफ्ट चैटिंग क्या होगा, तो 167 का हो जाएगा बी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन. ओके, आईपीसी सेक्शन कौन सा है कमेंट कीजिएगा, आई थिंक 403. ओके, मैं तो बता ही देता हूँ. 168 की अगर बात करें, तो इनसैनिटी इज लैक ऑफ फ्री विल
इनकैपेसिटी प्रोड्यूस ड्यू टू ड्रंकनेस, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट कमिटेड, या डिसीज्ड माइंड, क्या होगा इंसेनिटी, तो इनसेनिटी होने चाहिए कायदे से, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट कमिटेड। ओके, तो 168 का हो जाएगा सी। 169 ए कटिंग द वुड विथ एन एक्स, ए क्या कर रहा है, लकड़ी काट रहा है कुल्हाड़ी से। ओके, अब वो लकड़ी ऐसे जगह पे काट रहा है जहाँ पे नीचे बच्चे खेल रहे हैं, एक्स क्या हुआ गिर गया और वो कुल्हाड़ी गिरने के बाद उस बच्चे को लग जाता है, तो ए इज लाइबल और नॉट। ओके, तो ये लाइबल होगा कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ओके, 169 का याद रखिएगा, कॉजिंग डेथ बाय रैश नेग्लिजेंट पढ़ा होगा आपने 304 ए आईपीसी में। ओके, सेक्शन भी याद करते जाइए साथ में। अब आते हैं 170 में, असर्शन है ए और रीजन है आर। असर्शन में बोला गया ए अ बॉय एज्ड 9 ईयर्स इंटेंशनली किल्स बी, ए इज लाइबल टू बी कन्विक्टेड। ए एक लड़का है जो कि 9 साल का है, वो उसका मन सा मतलब इंटेंशनली वो बी को किल किया है, उसके लिए ए लाइबल टू बी कन्विक्टेड। रीजन है अ चाइल्ड अप टू 12 ईयर्स इज इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। देखिए ए तो ट्रू कह रहा है कि अगर ए की मंशा है, अगर डॉली कैपेक्स है, साची समझदार है, समझ रहा है हर चीज़ को, जो नेचर ऑफ क्राइम है उसको समझ रहा है, सो एक्ट जो है वो उसको समझ रहा है, तो यहाँ पे एज 9 ईयर्स ऑफ एज है, इंटेंशनली मारता है बी को, तो लाइबल है कन्विक्शन के लिए। बट आर बोल रहा है अ चाइल्ड अप टू एज ऑफ 12 ईयर्स इज इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी, ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है। डॉली कैपेक्स, डॉली इन कैपेक्स देखा जाता है, अगर वो कैपेबल है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एक्ट जो भी है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ए इज ट्रू, एसर्शन ट्रू है बट जो रीजन है वो फॉल्स है। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 171, ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन हु इज डिसीज्ड, ए इज लाइबल टू बी पनिश्ड अंडर विच सेक्शन। देखिए चीटिंग बाय पर्सोनेशन पता है 419 ऑफ आईपीसी। अब क्वेश्चन नंबर 172 की अगर बात करें तो यहाँ पे बता रहा है ए इंसाइट्स बी टू बीट सी, ए इंसाइट्स बी टू बीट सी। ओके, सब सिक्वेंटली ए रीचेज द प्लेस वेयर बी इज बीटिंग सी, ए उस प्लेस पे पहुँच गया जहाँ बी पहले तो इंसाइट किया बी को, फिर ए क्या किया उस जगह पे गया जहाँ पे ये दोनों बी सी को मार रहा था। ओके, यानी कि बीट कर रहा था। ए इज लाइबल 34, 114, 109, 115, क्या होगा, तो 114 सेक्शन जो 114 सेक्शन है आईपीसी का, यानी सेक्शन 114 ऑफ आईपीसी जो बात करता है अवेटर 10 जो बात करता है अवेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। अब ये अवेटर ही तो था, जब ऑफेंस हो रहा था तो अवेटर प्रेजेंट था वहाँ पे। ओके, 173 की अगर बात करें, ए रिमूव्स बीज बुक फॉर हिज हाउस विदाउट हिज कंसेंट विद द इंटेंशन टू रिटर्न इट टू हिम इफ ही एज अ फ्रेंड रिवॉर्ड्स, ये जाहिर सी बात है आते के साथ थेफ्ट का ही होगा वो, 378 आईपीसी देख लीजिएगा। 174 द केस ऑफ ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें कोई दोहराने की बात नहीं, अटैम्प्ट टू कमिट सुसाइड का केस था वो। 175 की अगर बात करें, मैच द फॉलोइंग है मिलाइए इसको, तो इसका अगर ए का देखें 463 का हो जाएगा फॉर्जरी। ओके, क्योंकि फॉर्जरी में आ जाएगा सेक्शन 445 क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा हाउस ब्रेकिंग। ओके, 441 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा, ये तो 503 होगा क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये तो पता है, तो 411 जो बचा हुआ है क्रिमिनल ट्रेसपास हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, 176 की अगर बात करें तो यहाँ पे बात करता है मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज पनिशेबल इन इंडियन पिनल कोड 8060 अंडर विच सेक्शन, सेक्शन नंबर 399 आईपीसी का है। ओके, 176 का हो जाएगा डी। नाउ कम टू 177 टॉक्स अबाउट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन इनमें से करेक्ट नहीं है, अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज नॉट ऑफेंस, अबेटमेंट ऑफ इलीगल ऑमिशन मे बी एन ऑफेंस, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट द इफेक्ट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस नीड नॉट बी अक्यूज्ड, सॉरी नॉट बी कॉज्ड, सो द पर्सन अबेटेड नीड नॉट बी कैपेबल ऑफ लाइक बाई लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। ओके, तो इसको आप एक बार देख लीजिए इसमें कौन सा गलत है, ए जो है अबेटमेंट ऑफ एन अबेटमेंट इज नॉट एन ऑफेंस, ये तो गलत है स्टेटमेंट।
178 की बात करें, अनलॉफुल असेंबली हैज़ बिन डिफाइंड इन द इंडियन पिनल कोड ऑफ 1860, कौन सा सेक्शन है? याद रखिएगा, ये तो याद करने की चीज़ है, 178 में जो चीज़ दिया गया है, सेक्शन 141 आईपीसी जो है बात करता है अनलॉफुल असेंबली की। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 179। ए इंस्टिगेट्स अ 5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड नेमली बी टू स्टील अ डायमंड रिंग। अब 5 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड है, जाहिर सी बात है, कॉन्सिक्वेंटली बी डज सो। अब वो 5 साल का बच्चा था, वो चोरी कर दिया, ए ने उसको इंस्टिगेट किया तो। ओके, अब यहाँ पे लाइबल कौन होगा? जाहिर सी बात है, ए कमिट्स नो ऑफेंस बट बी कमिट्स थेप्ट, ऐसा तो होगा नहीं। बोथ ए एंड बी कमिट थेप्ट, नो। बी डज नॉट कमिट एनी ऑफेंस बट ए कमिट्स अबेटमेंट ऑफ थेप्ट, जाहिर सी बात है, ये डॉली इन कैपेक्स है, वो बच्चा एक्ट को समझ नहीं रहा है, उसको तो बस बोला कि वो डायमंड रिंग लेकर आ जाओ। ओके, तो ये जनरल एक्सेप्शन में चला जाएगा। तो बी डज नॉट कमिट एनी ऑफेंस बट ए कमिट्स अबेटमेंट ऑफ थेप्ट। ओके, तो आई थिंक 179 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, कम टू 180, क्वेश्चन नंबर 180। व्हाट पनिशमेंट मे बी अवॉर्डेड टू द पर्सन हुज एक्ट इज कवर्ड अंडर जनरल एक्सेप्शन? नो पनिशमेंट, जाहिर सी बात है, 76 से 106 के बीच में जो जनरल एक्सेप्शन बताता है जिसमें पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, तो उस एक्ट को पनिशेबल नहीं ठहराया गया, तो उसमें क्या है कि कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। सो ओके, आज यहीं तक रहने देते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 181 से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।